एंड अभी हम लोग देखो कैसे जगह पहुंच गए डायरेक्टली। अभी ये कौन सा जगह है अभी भी पता नहीं, बट अभी बर्बाद हो चुका है। ये है गाड़ी का हालत, सो आई वन मतलब कोई रिव्यू नहीं देगा। सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी ने मेरा पार्ट वन देखा होगा। नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो जाके इसी प्लेलिस्ट में आके जाके चेकआउट करो। तो कल हम लोग गया था दोला सदिया ब्रिज एंड आप लोग तो खैर उसको फर्स्ट पार्ट मान के सो गया, बट आई एम स्टिल ट्रैवलिंग क्योंकि अभी ये मेरा वही दिन है बट सेकेंड पार्ट में, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो गया था एंड जस्ट अभी हम थोड़ा सा ट्रांसफरिंग कर रहा था फाइल्स को, करना पड़ता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है वरना बाई चांस मेमोरी करप्ट हो जाने से तो गेम ख़त्म। एनीवेज, सो अभी टाइम हो रहा है आपका एंड अभी हम रुका हुआ है थोड़ा सा एंड आगे हम लोग था टू लेन हाईवे में एंड अभी हम लोग देखो कैसे जगह पहुंच गया डायरेक्टली सिंगल लेन में। इसमें आपको डायरेक्टली एक ही गाड़ी जाने का रास्ता है, तो ये जगह में है हम। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो अभी आपको थोड़ा देर में दिखाई देगा। इवन दो रास्ता बहुत छोटा है लेकिन जो व्यू है वो बहुत सुंदर है इन कंपेयर टू हाईवे। हाईवे में रोड बड़ा होने से भी एंड अच्छा होने से भी, बट आपको ये जो सीनरी वाला व्यू है जो ये नेचर के साथ, ये आपको नहीं मिलेगा जो हमको अभी मिल रहे एंड ये बहुत ही मेसमराइजिंग लग रहा है हमको। और ये एक छोटा सा रोड जा रहा है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काइंड ऑफ थोड़ा सा हमको ये रोड जो है आपको उदलगुड़ी का जो अंदर वाला रोड है जहाँ से गुवाहाटी जाते हैं उसका याद दिला रहा है। अंदर भी कुछ ऐसे ही है और फिर चाराली फिर ऐसे होता है। इवन दो रोड्स इतना छोटा है बट यहाँ पे अंदर आते आते एक काइंड ऑफ एक बाजार टाइप मिला है, बस्ती है ना क्या है पता नहीं, बहुत छोटा है। हमको ये जगह का अभी तक नाम तक भी पता नहीं है, हम जस्ट जा रहे हैं और मेरा आगे में एक ट्रक है जिसको हमको ओवरटेक करने में बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज रास्ता बहुत नैरो है। और यहाँ में साइड में लाइक मार्केट लगा है, काइंड ऑफ ये जो जैसे नहीं होते रास्ता का मार्केट उसका जैसे है, दोनों साइड में है, इस ट्रप भी है। ये सब चीज़ जो बोरिंग है एंड अभी थोड़ा थोड़ा करके हमको मतलब अभी जर्नी जो है मतलब जर्नी का जो हम मिड में पहुंचा जैसे फीलिंग आ रहा है। थकान तो अभी तक नहीं हुआ बट फिर भी थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगने शुरू हुआ है। अभी जस्ट मैंने एक चेक पोस्ट क्रॉस किया था, पुलिस का चेक पोस्ट एंड आई डोंट नो अभी आई थिंक वो बॉर्डर था ना क्या था, बट अभी ये कौन सा जगह है अभी भी पता नहीं। बट अभी गाड़ी में देख रहे तो नंबर AR है, उसका आगे वाला जो दिखाई नहीं दे रहा है कुछ 20 जैसे है। अगर ये मेरा अंदाज़ा सही है तो हम अभी नमसाई के अंदर होना चाहिए, फिर भी अभी श्योर नहीं है, थोड़ा आगे जाएगा तब पता चलेगा कि हम अभी एग्जैक्टली है कहाँ। फाइनली एक हिंट मिल गया, ये पुलिस स्टेशन है एंड ये अरुणाचल का है। अभी हम है लोहित, लिखा था इसमें डिस्ट्रिक्ट लोहित, सो अभी हम होना चाहिए लोहित डिस्ट्रिक्ट में। पहुँचा रहे हैं हम आज कहाँ कहाँ, कैपिटल कॉम्प्लेक्स से आके सीधा हम अभी लोहित पहुँच गया। सो फाइनली आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम गूगल मैप्स, तो अभी हम है सुनपारा बोल के एक जगह में एंड इस समय हम है लोहित डिस्ट्रिक्ट में जिसका कैपिटल है तेजू। और जितना भी बोल रहा मतलब रास्ता जो इतना सुंदर है, देखो ना मतलब रास्ता जो छोटा होने से भी बहुत सुंदर है। काइंड ऑफ हम लोग का जो पुराना जब देंगा लोग रास्ता नहीं काटते समय में उसका याद दिलाते, बहुत सुंदर है। देखो नेचर अभी भी है वरना हम लोग का तो पूरा अभी बर्बाद हो चुका है। बहुत देर का बाद हाईवे मिला, स्ट्रप कहाँ जाते पता नहीं, बट स्ट्रप जो है राइट साइड जो है मेरा डेस्टिनेशन है, सो आई विल बी टेकिंग राइट। और ये पहुंच गया हम लोग फिर से हाईवे में। कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 13 फॉर 1.5 kilometers। ओके, सो वी आर इन नेशनल हाईवे 13, थैंक यू गूगल। कब
से ये मिस कर रहा था यार। रास्ता भी बहुत सीधा है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ साइड का हाईवे लोग थोड़ा सुंदर है, मतलब ये अलग है ना हम लोग के लिए। हम लोग का शायद का शायद यहाँ का लोग को सुंदर लगेगा होगा, हम लोग तो बचपन से देख देख के बोर हो चुका है इसलिए। यहाँ में क्या आला बारी रोड बोला तो राइट लेना है हमको, सो आई हैव टू टेक अ राइट। कंटिन्यू फॉर 22 किलोमीटर्स एंड आई विल हैव टू कंटिन्यू फॉर 22 किलोमीटर्स। गूगल आके बहुत आराम तो हो रहा है लाइफ, वरना तो भैया कहाँ जाऊँ किधर जाऊँ। और यहाँ में पता नहीं चेक पोस्ट है बट ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा ये चेक पोस्ट नहीं है, फॉरेस्ट गेट है। यहाँ से आई थिंक फॉरेस्ट एरिया है इसलिए शायद यहाँ में चेक पोस्ट लगा के रखा है। अभी हमको चलाते हो गया 362 किलोमीटर्स एंड ये है गाड़ी का हालत, अभी भी साफ क्योंकि रास्ता साफ। एंड यहाँ अभी हम एक ब्रिज के ऊपर है, सो उसका साइड में ही यहाँ में नदी है और ये नदी का किनारा मतलब बहुत सुंदर लग रहा है देख के। ये वाला जो डायक नदी और वहाँ में छोटा सा जाने का रास्ता भी है और ये नदी का किनारा काइंड ऑफ ये थोड़ा सा हमको पासीघाट का जो सियांग रिवर है उसका याद दिलाते हैं, बट ऑब्वियसली उसका कंपेयर में तो ये अभी कुछ भी नहीं है। सियांग रिवर तो इससे भी बहुत बड़ा है और ना ही ये ब्रिज, बट फिर भी यहाँ में इनका हम लोग का जो ये जो इस साइड का अरुणाचल है जो आपको ये लोहित ये सब लोग का वहाँ का थोड़ा अलग टाइप का होता है। इन लोग जो थोड़ा प्लेन्स होते हैं रास्ता जो फुल्ली, इसलिए नदी लोग भी ऐसे टाइप होते हैं। हम लोग वहाँ में पत्थर बहुत होते हैं। सो जैसे हमने बोला अभी हमको चलाते हुए हो गया 362 किलोमीटर्स एंड यहाँ में इन लोग का जो रास्ता है यहाँ हम लोग का इस साइड का अरुणाचल का एकदम डायरेक्टली आसाम जैसे प्लेन है एंड सीधा भी सीधा है। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा सीधा रास्ता है एंड इवन इस तरफ भी देखो ना पूरा सीधा है। तो हमको इसलिए 362 किलोमीटर्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना हो रहा, एक या दो ही बज रहा होगा। वही चीज़ अगर हम लाइक हम लोग का जगह में जो हम लोग का हिली एरिया में करने से ये 362 किलोमीटर करते करते रात का शायद 10-11 बज जाना था, बिकॉज वहाँ पे इतना कर्व्स है तो उसको मतलब वही है ना, उस कर्व्स को मतलब करते करते बहुत लेट हो जाते हैं। इसलिए देखो ना तावांग भी पहुँचने के लिए आदमी को मतलब एक दिन में अप डाउन हो जाता है लेकिन उसमें पूरा रात हो जाता है, उसमें भी ज़्यादा किलोमीटर नहीं हुआ होता। आई थिंक हमको इतना अच्छे से अभी याद नहीं है, तावांग 200 या 400 किलोमीटर है और उसमें हमको एक दिन पूरा लगता है, वो भी अगर हम नॉन स्टॉप जाके वापस आएगा बोलने से। अगर वहाँ में रुक के कुछ काम किया तब तो फिर बात अलग है। तो अभी गाड़ी का भी हाल कुछ ऐसे है, लीजी तो लग रहा है अभी। इस तरफ जाने से कौन सा जगह है पता नहीं, बट अभी हम जाएगा राइट साइड क्योंकि अगर नमसाई आया है तो नमसाई टाउन देख ही लेगा कैसे है। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन नमसाई। So this is Namsai town, I guess. AR20 नामसाई का भी जो आपका DTO रजिस्ट्रेशन है वो है AR20। तो अभी नामसाई में वैसे कुछ घूमने लायक जगह है ना नहीं है ना वो तो हम कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आया था, बट आई सी इफ देयर इज एनीथिंग। बट पहले कुछ खाने वाला जगह ढूंढ लेगा। दिस इज नामसाई टाउन। क्यों ना अरुणाचली टाउन लोग हमेशा बहुत सेम होते। अभी बालपुंग को ही ले लो, बालपुंग भी कुछ ना कुछ ऐसे ही है। ईटानगर इज अ डिफरेंट थिंग बट बालपुंग भी थोड़ा बहुत ऐसे है। एंड यहाँ में जो भी मतलब जो टाउन का स्ट्रक्चर है थोड़ा आसाम से इंस्पायर्ड टाइप ही है,
बिकॉज सामने पड़ते हैं एंड इट्स अ प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया एंड हिली एरियाज का जो जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो थोड़ा अलग ही होगा। यहाँ में अभी पेट्रोल पंप है बट आई विल फिल अप लेटर जब हम यहाँ से निकलेगा। पहले आई विल हैव टू सर्च समथिंग टू ईट। चलो ये हम आपको एक टाउन का टूर दे रहे हैं एंड यहाँ से आई थिंक आगे में टाउन नहीं है, ख़त्म हो गया, तो यहाँ से हम वापस अब लेगा। सो दिस इज नमसाई टाउन एंड राइट नाउ अभी हम यहाँ में खाना खाने वाला है। ये पीछे में आपको क्या दा यिंग चाय रेस्टोरेंट बोल के कुछ है, यहाँ में खाना खाएगा बिकॉज यही एक मेरा टाइप का लगा, बाकी सब थोड़ा ज़्यादा ही लोकल है एंड हम इतना लोकल फूड्स प्रेफर नहीं करते। आई नीड इंडियन। सो वो वाला जैसे यहाँ में बटर नान तो नहीं मिला लेकिन चिकन बटर मसाला मिल गया, सो आई थिंक इट विल बी फाइन। Okay, so this is the food, chicken butter masala and plain rice. Okay, so just had food and खाना जो है लाइक अच्छा है लेकिन मेरा टेस्ट के हिसाब से नहीं है, सो आई वन मतलब कोई रिव्यू नहीं देगा। एंड अभी हम लोग का ओडोमीटर देखने से हम लोग ने कर लिया है 398 किलोमीटर्स एंड अभी यहाँ से हम जाएगा पहले एक जगह उसके बाद दूसरा जगह जाएगा, बट उससे पहले हम सोचा कि फ्यूल अप करा लेगा बिकॉज फ्यूल स्टेशन ठीक मेरा सीधा में है एंड मेरा फ्यूल हाफ टैंकी पहुँच चुका है एंड हु नोस कौन से जगह में फिर हमको फ्यूल मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे होता है या कभी तेल ख़त्म हो जाता है। सो बींग ऑन अ सेफ साइड अभी हम पहले फ्यूल अप कर लेते हैं। अभी हो गया आपका 417 किलोमीटर्स। So there is this sunset and here we have the golden pagoda of Namsai district जिसको देखने के लिए हम इतना दूर से आया। ये अभी golden pagoda का गेट है, अभी हम लोग थोड़ा देर में अंदर जाएगा। तो यहाँ में कुछ कुछ बना के रखा है ये हट हट टाइप में जहाँ पे आप बेच सकते हैं एंड ये सब जो है यहाँ में पार्किंग है, गाड़ी वाड़ी पूरा पार्क करके रखा है एंड वहाँ पर है हम लोग का ब्यूटी ग्रैंड नाइटन। अभी यहाँ से हम लोग अंदर जाएगा। Thank you.
Now entering the Golden Pagoda. So हम भी बुद्धिस्ट हैं, लेकिन ये वाला जो बुद्धिज्म टाइप है, ये जो महायाना है, करेक्ट में यहाँ हम लोग जो है हीनायाना है, ये लोग जो है महायाना है. सो थोड़ा सा हम लोग का मतलब है तो सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है हम लोग का मोनेस्ट्री में, इनका मोनेस्ट्री में. सो अभी आपको दिखाई देगा वो थोड़ा देर में. सो यहाँ पर बनाया है एक स्टैचू. तो ठीक मेरे पीछे में भी फिर से एक तो स्टैचू है, जैसे कि आप देख पा रहा होगा. अगर आप इस जो पकौड़ा है इसको अगर पूरा घूमेगा तो यहाँ पे आपको न्यूमरस स्टैचूज मिलेगा. सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. और लाइक हम आप लोग को ये चीज़ को है डायरेक्टली वीडियो के थ्रू से दिखा रहे हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे एक बार आके ज़रूर चेकआउट करो, बहुत सुंदर है. सो गोल्डन पकौड़ा दिखाने से पहले इसका बाहर में जितना भी जो बनाया हुआ है वो हम आपको एक एक करके दिखाएगा. उसके बाद हम लोग पकौड़ा का अंदर जाएगा. जैसे सिमिलरली मेरे यहाँ में ये आप देख सकते हैं. सो अगर आप पकौड़ा देखते देखते थक जाने से, यहाँ में बहुत सारा जगह है, वहाँ में आप आराम से बैठ के थोड़ा यहाँ में ठंडा हवा का मज़ा ले सकते हैं. बट यहाँ आप गंदा करने नहीं होगा. हाँ, ये जगह को पूरा साफ़ सुथरा रखना है. और अभी फाइनली पहले देखते हैं कि इस पकौड़ा को कब कहाँ किधर बनाया, यहाँ पे लिखा है. एंड नाउ फॉर द थिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर, द गोल्डन पकौड़ा. ये है गोल्डन पकौड़ा. इसको जो है पूरा मतलब गोल्डन कलर में पेंट किया है एंड बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. और यहाँ में देखो, जैसे उन लोग का जो चार ताजमहल जैसे वो गुम्बद बनाया, गुम्बद तो नहीं है पिलर, और यहाँ भी एक टू है. और यहाँ में जैसे आगे आगे में जैसे स्कल्पचर्स लोग है, और यहाँ से अंदर जाता है और वहाँ पे अंदर बैठा हुआ है हमारा बुद्ध भगवान. सो एज यू कैन सी, अभी वैसे बहुत ज़्यादा आदमी आगे आगे नहीं था, वहाँ से एक एंट्रेंस है, तो यहाँ पर भी एक एंट्रेंस बनाया हुआ है अंदर जाने के लिए. वहाँ में जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ में भी दो है. एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइट है. और यहाँ में इनका जो आप जिसे देख पा रहा होगा, फोर साइडेड, इनका फोर साइडेड हेड वाला है. फोर साइडेड में लोग पूरा नमस्ते करके बैठ रहे हैं. एंड यूजुअली जब भी मोनेस्ट्री घूमते हैं, वो तो हमने आपको बताया है कि इस टाइप से घूमना है बोल के, वो तो आपको पता है. तो देखो जैसे हम बता रहा था, यहाँ पर भी है ये जो एंट्रेंस टाइप से बनाया वाला. ये जो अभी हम बुद्ध भगवान का बैक तरफ में है, से आने के बाद यहाँ पे एक बनाया हुआ है इनका. नेक्स्ट अभी इस साइड में एक एंट्रेंस है जैसे हमने आपको बताया था, और यहाँ पे भी सेम दो ट्री बना के रखा है. और यहाँ पे अभी आप बुद्ध भगवान का लेफ्ट साइड को फेस कर रहे हैं, जैसे हमने बोला था. अब वहाँ से आके आप फाइनली यहाँ पे जब आता है, देन यू गेट टू सी द फेस ऑफ द बुद्ध स्टैचू, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा. एंड आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट, गेट वहाँ बनाया सो दैट आदमी लोग पहले स्टेप चाहेगा, ऐसे घूमते घूमते तब फेस का दर्शन जो लास्ट में होगा, तब मतलब क्या है कि आदमी लोग घूम भी लेगा एंड लाइक फेस का दर्शन भी हो जाएगा. ये एक टेक्निकली सोच के बनाया वाला है. नमसाई तो एक्चुअली हम दिन को ही पहुंच गया था 2 बजे बाद, हम जानबूझ के शाम को आया. इट्स बिकॉज हम आप सभी को ये दिखाना चाहता था द रियल ब्यूटी ऑफ गोल्डन पकौड़ा. रात के समय में जब लाइट्स पूरा जल जाते हैं, उसके बाद आप देखो कितना बढ़िया से शाइन कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, मतलब पूरा इसको लगता है कि पूरा सोना, एकदम पूरा सोना का है जैसे लग रहा है. तो इसको इतना सुंदर से बनाया है ना इस गोल्डन पकौड़ा को, रात के समय में मतलब इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है भाई, इतना बढ़िया से शाइन कर रहे, ग्लिटर कर रहे हैं. एंड यहाँ बगल में भी जैसे जितना भी जैसे ये सब लाइट्स हो गया, ये सब लाइट्स लगाने के बाद तो इतना सुंदर लग रहा है. और स्पेशली ये वाला जो साइड है, ये जो हम लोग का जो बुद्ध भगवान का जो फेस साइड को लेके, बहुत सुंदर लग रही है आज. सी यहाँ पर भी और एक बहुत सुंदर से इन लोग ने डिज़ाइन किया है.
मतलब ये मोनेस्ट्री इतना सुंदर बनाया ना इस पगोड़ा को, मतलब इतना सुंदर बनाया, जहाँ जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ आपको क्रिएशन मिलेगा। हियर यू सी, ठीक इसका बगल में यहाँ में भी देखो इतना सुंदर से बनाया। इस पूरा पगोड़ा का थीम जो ना डायरेक्ट गोल्डन करके अच्छा से प्लानिंग करके रखे थे, वो ये इतना सुंदर लग रहा है। वाह, इसका आगे जाने से तो शायद और सुंदर होगा। ओह माय गॉड, सी। सो जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, उस रूम में एक है तो इस साइड में भी है कि मतलब दोनों साइड में इसको करके रखा है। जस्ट एज आई सेड, जहाँ भी देखो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यहाँ में भी आपको दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे पता है, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए शायद क्लियर नहीं होता होगा। यहाँ में भी एक तो बना के रखा है। नाउ लुक एट द पगोड़ा, सी रात हो गई ना, देखो ऊपर पूरा रात हो गया, तो रात को जो है सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। वाह, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर। सो दिस इज़ द लास्ट व्यू ऑफ द गोल्डन पगोड़ा ड्यूरिंग द नाइट, और एक बार आप लोग देख लो अच्छे से, उसके बाद हम अंदर जाएगा। सो बिहाइंड मी इज़ द गोल्डन पगोड़ा जो हमने अभी आप सभी को दिखाया, और आज 20 जनवरी 2023 को हम यहाँ पहुँच पाया। एक्चुअली जब से हमने गोल्डन पगोड़ा का नाम सुना था ना, मतलब हम यहाँ बहुत समय से आना चाहता था, एंड हमने कितना बार कोशिश भी किया आने का, बट बिकॉज उस समय में इतना हम एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हम नहीं आ पाया। बट फाइनली आज हमने जैसे तैसे हिम्मत करके यहाँ पहुँचा है। कल तक भी ऐसे ही था हम कि लाइक हम जाएगा नहीं ऐसे टाइप हो रहा था, बट फाइनली हमने सोचा एक बार सोच लिया है तो जा ही लेगा बोल के, और यहाँ आके मतलब थोड़ा हमको दिल को शांति मिला। इससे पहले बहुत कुछ चल रहा था बट अभी थोड़ा हमको दिल में शांति आया, और साथ ही साथ यहाँ का एनवायरनमेंट जो लोग बोलते हैं सच बोलते हैं बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, मतलब आप बहुत मज़ा से घूम सकते हैं यहाँ में, एंड फ्री ऑफ माइंड आप चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। बाकी बहुत सुंदर लगा, और जिन्होंने भी बनाया उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत सुंदर चीज़ आपने बना के दिया है हम लोग को, जो बहुत सुंदर लगा हमको ये वाला जो गोल्डन पगोड़ा, एंड बहुत समय से आने का भी दिल था। और लाइक आप सभी को भी रेकमेंड करेगा कि सब चीज़ तो हमने नहीं दिखाया, तो आप खुद से आओ देखो और उसके बाद आप एक्सप्लोर करो, बिकॉज हर चीज़ दिखा देने से फिर आप लोग आएगा भी नहीं। तो यही था गोल्डन पगोड़ा। अभी मेरा जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुआ, आज का जर्नी 23 जनवरी अभी तक चल रहा है मेरा, आप लोग के लिए जो दूसरा वीडियो है, मेरे लिए तो ये फ़र्ज दे ही है। तो चलिए अभी मेरा आगे वाला जर्नी जो है कंटिन्यू करते हैं।